हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का पार्ट टू का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर थ्री का सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.5 लेक्चर नंबर 12 लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 का सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कुल टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग 1 बाई 1 करके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, अगर आप प्रैक्टिस सेट 3.1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ भी जाकर देख सकते हो। तो आइए आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.5, देखिए इसमें क्या आपको पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रे पी क्यू। आपको यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे आपको सर्कल लिखेगा, उसके ऊपर एक लाइन लिखेगी पी क्यू। रे देखो, पी से लेकर क्यू तक की एक हमें लाइन दिया है। फिर टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू, आपको फिर यहाँ पे पॉइंट क्यू दिखेगा जो कि आपके सर्कल के सर्कल पे ही अटैच होके जा रहा है। फिर कह दिया पी क्यू 12, आपको इतना पी क्यू का जो वैल्यू दिया है 12 दिया है। पी आर आपको 8 दिया, आपको फाइंड क्या करना है, पी एस और आर एस को आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्व कर देते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले देखो, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने अपने नोटबुक पर सॉल्व करता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे क्या क्या दिया आप वो लिखो, तो मुझे क्या इतना आप लोग लिखो। तो आप लोग यहाँ पे अपने नोटबुक पे लिखो पी क्यू इक्वल टू 12, पी आर इक्वल टू 8 और आपको पी एस फाइंड आउट करना है और आर एस भी फाइंड आउट करना है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन में भी देख के आ रहे हैं। ओके, इतना तो आपको कुछ डाउट होगा नहीं। लेकिन आपको ऐसी मालूम है क्या पी क्यू इज अ टेंजेंट। हमारा जो पी क्यू है वो टेंजेंट है। बोलोगे क्यों, जाए देखो पी क्यू, पी से क्यू, अभी आप ये देखो ये सर्कल के बॉर्डर को टच हो के जा रहे, तो मतलब हमारा क्या हुआ है, हमारे लिए क्या हो गया है, टेंजेंट हो गया। हमने उसको फर्स्ट लेक्चर में 3.1 में भी देखे थे, इतना आपको पता होगा। फिर हमारा पी क्यू जो है, आप पी क्यू यहाँ पे एक मिनट, पी क्यू नहीं, हमारा यहाँ पे पी एस होगा। क्या हमारा क्या होगा, पी एस, अब पी एस इज सीकेंट। हमारा जो पी एस है ये सीकेंट होगा। देखो एक थ्योरम होता है, कौन सा, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम, आपको इसमें है भी, आप लोग को मालूम होगा तो ठीक है। हमारा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे आप फिगर में देखो, हमारा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम में कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, आप पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस करेंगे। फिर सुनो, पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये करेंगे हमारा, यही टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है। तो आइए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर रहेगा क्यू इसके। हम लोग ने ऐसा क्यू लिखा तो हम लोग पास, हम लोग ऐसा लिखेंगे टेंजेंट सीकेंट थियरम। हम लोग इसको कौन सा थियरम बोलते हैं, टेंजेंट सीकम थियरम से इसको हम लोग जानते हैं। देखो आपको यहाँ पे पी आर की वैल्यू यहाँ पे दिया गया, देखो पी आर की वैल्यू 8 है, पी एस की वैल्यू नहीं, हमें पी एस निकालना है, पी क्यू की वैल्यू क्या, हाँ 12 का स्क्वायर, ओके 8 हम लोग रखेंगे इधर ही, मल्टीप्लाई बाय पी एस इक्वल टू 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको मालूम ही होगा, पी एस ऐसे रखेंगे, फिर 144 अपॉन 8 हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा डिवाइड में। फिर सॉल्व करते हैं पी एस, अभी आप 8 के टेबल में ऐसा पढ़ो कि आपका 144 हट जाए, तो मेरे हिसाब से आपको एक टेबल मिलेगा 18 एट जा 144, यहाँ पे आप लोग लिख दो 18, इसको कटआउट करोगे या यहाँ पे क्या लिखोगे 18, तो आपका ये आपको यहाँ पे पी एस मिल गया। आपको क्या मिल गया, पी एस की वैल्यू मिल गई। अब आइए फिगर में हम लोग देखते हैं, आपको पी एस कितना मिला, 18 मिला ना, पी एस क्या है आपको 18 मिली। अब आपको निकालना क्या है, आर एस निकालना, तो बहुत ईजी है। हमें पी एस जब बड़ा बड़ा मिल गया तो हम लोग क्या 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 करेंगे, इक्वल टू, अभी आपको पी एस मिला तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पी आर प्लस एस आर करेंगे, पी आर प्लस, अभी आप चाहे एस आर लिखो चाहे आर एस लिखो, बात एक ही होती है, पी आर प्लस आर एस। देखो पी एस की वैल्यू हमें कितना मिला, 18, हमें पी आर मालूम है 8 है और हमें आर एस नहीं मालूम है, हम लोग 18 ऐसे रखेंगे, 8 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा -8। ओके, हमारा ये क्या हो गया, -8 हो गया इक्वल टू आर एस, 18 में से 8 गया 10 इक्वल टू आर एस। हमें इसको आप सीधा करके लिखो, आर एस इक्वल टू 10, हमें आर एस की वैल्यू मिली 10 है। यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइनल आंसर,
कि हमें PS मिला 18 और हमें RS मिल गया 10। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले क्वेश्चन का आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नीचे का लेने देता हूँ। इतना मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस 3.5 का, वो होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर टू की तरह हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी आपसे क्या पूछा है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फाइव के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। इसमें देखते हैं हमें क्या किया। एक तो आपको यहाँ पर सर्कल दिख ही रहा होगा, इधर क्या दिए जाते हैं, कॉर्ड MN, हमें एक कॉर्ड है, हमारे एक कॉर्ड है MN और एक कॉर्ड है RS, ऐसा बोला है। इंटरसेक्ट पॉइंट डी, और ये पॉइंट डी के पास सब इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, इतना तो ठीक है। हमें यहाँ पे इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन दिए हुए, उनको सॉल्व करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ RD इक्वल टू 15, हमारा R से लेके D तक का मेजरमेंट 15 दिया है, और DS 4, और जो हमारा जो DS है 4 दिया है, फिर MD, हमें जो MD दिया है 8 दिया है, हमें DN को फाइंड करना है, हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारा RS कितना 18 है, और हमारा MD 9 है, DN हमारा 8 है, हमें DS फाइंड आउट करना है। क्या करना, फाइंड आउट करना है DS करना है। अभी आप लोगों से बहुत लोग ऐसा भी दिमाग लगाएंगे, भाई एक काम करते हैं ना, हम लोग आप लोग एक काम करते हैं, हमें DN निकालना है, हमें यहाँ पर DN ऑलरेडी 8 दे के रखा, तो इसी को हम उधर छाप देते हैं, तो क्या दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है चलता भाई। ओके, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट क्वेश्चन को। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, हाँ 1 मिनट, कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा ही इशू हुआ होगा, आई डोंट नो। अब ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, आप लोग को पेज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट में उधर क्या क्या दिया था, हमें वहाँ पे RD था दिया इक्वल टू 15, और हमें DS दिया था 4, और MD दिया था 8, MD 8 दिया था, और हमें DN को फाइंड आउट करना था, इतना समझ में आया। अभी आइए जब हमने उसको मिला लेते कि हमारा सही है नहीं, RS 15, DS 4, MD और DN फाइंड आउट करना है। और देखो हमें ये भी बोला कि हमारा ये जो MN और CD में हमारा एक कॉर्ड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे भी, कैसे लिखेंगे, कॉर्ड MN, ये जो हमारा जो कॉर्ड MN है, कॉर्ड MN एंड कॉर्ड CD, अभी ये चाहे अब इसको CD सॉरी यहाँ पे आपका RS आएगा, RS इंटरसेक्ट, RS जो हमारा है इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट इंटरनली पॉइंट डी, कौन से पॉइंट से हो रहा है, तो इंटरनली से हो रहा है, इंटरनली पॉइंट डी, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, फिर देखो हम लोग को आखिर में DN निकालना है। अभी आप लोग इस फिगर को देखो तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग उसको ऐसे करेंगे MD मल्टीप्लाई बाय DN इक्वल टू RS मल्टीप्लाई बाय DS, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल के दिन एक थ्योरम सॉल्व करके दिया था, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन्स ऑफ कॉर्ड, तो वो थ्योरम यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं MD मल्टीप्लाई बाय DN इक्वल टू RD मल्टीप्लाई बाय DS, ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा एक थ्योरम है जो कि मैं आप लोग को कल के दिन प्रूफ करके दिया था, थ्योरम ऑफ इंटरनली डिवीजन ऑफ कॉर्ड, डिवीजन ऑफ हमारा कॉर्ड हो गया, इतना रीजन समझ में आया होगा। अब भी कुछ नहीं करना है, अभी जो आप लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया उसको सब्सटीट्यूट कर दो, हमें MD दिया क्या, MD हमें 8 दिया है, हमें DN फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे रखेंगे, हमें RD दिया है 15, और हमें DS 4 दिया है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय DN रखेंगे, 15 4 जा 60, अभी हम लोग DN इधर ही इसको रखेंगे 60 इधर, अभी ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व करो, अभी आप अगर 8 को 60 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स करो, आपका वैल्यू मिल जाएगी 7.5, देखो 8 7 56 और 4, हाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7.5, हमें DN कितना मिल गया 7.5, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व होता है।
स्क्रीनशॉट से तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब क्वेश्चन फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन खैर हम लोग उसको सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। इसमें आपको क्या क्या दिया, पहले आप उस चीज़ को लिखो। तो मुझे यहाँ पर दिया आर एस इक्वल टू 18, फिर एम डी इक्वल टू 9, डी एन इक्वल टू 8, और हमें डी एस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमें इसमें सिंपली बोल के रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या यही मेथड लगाएंगे, कुछ हम लोग अपना नया करेंगे। हम लोग अपना नया करेंगे, क्या करेंगे, लेट आर डी, यहाँ पर देखो आपको एक फिगर दिखेगा आर से डी, लेट आर आर डी इक्वल टू एक्स। मैंने आर डी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आपको पता है आर एस इक्वल टू आर डी प्लस डी एस होता है। कैसे, देखो आर एस को अगर आपको आर एस पता लगाना है तो आपको क्या मालूम रहना चाहिए, आर डी प्लस डी एस, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, हम लोग आर एस ऐसे ही रखेंगे। हमने आर डी को एक्स माना है और डी एस वैसे ही रहने देंगे। ओके, अभी डी एस को हम लोग इधर लेके आएंगे और इस आर एस को इधर लेके जाएंगे, माइनस एक्स मुझे, क्योंकि ये प्लस है, इधर आया तो हमारा माइनस में हो गया, हमें यहाँ पे एक चीज़ मिला। हमें आपको इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी है नहीं, लेकिन ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग वही वाला चीज़ अप्लाई करेंगे, क्या एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस। देखो एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस, ये कैसे आया, तो वही हमारा थियरम अप्लाई होगा जो अभी मैंने अभी आपको बताया, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीज़न ऑफ कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड होगा हमारा, डिवीज़न ऑफ कॉर्ड। हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इतना आपको समझ में आया होगा। अभी आप एम डी की वैल्यू मालूम है क्या, एम डी हमें दिया 9, डी एन दिया 8, हमें आर डी दिया क्या, आर डी हमें आर डी नहीं दिया है। देखो हमें एक चीज़ पता है क्या, आर डी हमें दिया है और हमें आर डी और डी एस पता लगाना है। हमने आर डी को यहाँ पे क्या माना, एक्स माना है, मल्टीप्लाई बाय हमें डी एस क्या मिला, आर एक्स माइनस, देखो आर एक्स माइनस एक्स इस तरीके से लिखें, 9 और 72 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। देखो एक्स आपने रखा, आपको आर एस की वैल्यू मालूम है 18, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 18 माइनस एक्स लिखेंगे। ओके, अभी आप इसको सॉल्व करो। देखो एक्स इंटू एक्स 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 स्क्वायर करेक्ट, अभी ये इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, अगर आपको इक्वल के इस तरफ लेके आओगे तो आपको 18x हो जाएगा और फिर प्लस 72 इक्वल टू 0। ये आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो गया। अभी आपको इसको सॉल्व करो, आपका वैल्यू खुद का खुद मिल जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा नंबर लेंगे कि मतलब जो प्लस माइनस करने पे 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है क्या, तो 72 को हम लोग इस तरीके से नंबर लेंगे। तो ऐसा नंबर है क्या है, 12 सिक्सा 72 और 12 प्लस 6 18, लेकिन यहाँ पे माइनस में, तो हमें यहाँ पे आंसर भी चाहिए माइनस में, हम लोग उसको दोनों मान देंगे, माइनस माइनस प्लस, हमारा बड़े जाएंगे तरफ माइनस, हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x फिर माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0, चाहे अभी आप 18x लिखो चाहे माइनस 12 फिर माइनस 6 लिखो, इच्छा आपकी जो चाहो आप लिख लो। ओके, अभी आप यहाँ से कॉमन निकाल दो, आपको x मिला, x माइनस 12 में मिला, फिर आपको माइनस 6 यहाँ पे मिलेगा, फिर x, देखो अभी आप ऐसा, अभी आप इसका निकालो, देखो 12 सीधा 72, तो आपको माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सब आप एलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मैं आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा के दिया हूँ, इसमें आप लोग कॉमन निकालो। देखो मुझे x माइनस 2x माइनस 12 मिल गया कॉमन, और एक मिल गया x माइनस 6 इक्वल टू 0,
अभी एक बार मैं जीरो इसको दूंगा तो एक बार जीरो इसको दूंगा तो एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एक्स। अभी इधर है, अभी इधर क्या माइनस में इधर लग जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में एक्स की वैल्यू मिली ट्वेल्व और एक्स इक्वल टू इधर माइनस सिक्स में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में एक्स की वैल्यू मिली सिक्स। एक्स की वैल्यू क्या मिली? सिक्स मिली। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें डी एस फाइंड आउट करना था। हमें दोस्तों डी एस फाइंड आउट करना है ना, तो आ जाओ हम लोग डी एस को करते हैं। तो डी एस देखो, हमें यहाँ पे डी एस मिला है, डी एस इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो आप लोग लिखो आर एस माइनस एक्स, सॉरी मैं मल्टीप्लाई बाई मिस्टेक बोल दिया, डी एस हमें आर एस कितना हमारा देखो 18 है, हम लोग लिखेंगे 18 माइनस एक्स, एक्स हम लोग एक बार 12 लिखेंगे और एक बार 6 लिखेंगे। तो हमें डी एस यहाँ पे मिल गया 6, लेकिन हम लोग एक चीज़ का भी और निकालेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डी एस लेंगे आर एस माइनस एक्स, एक्स लेंगे फिर डी एस, हमें आर एक्स 18 दिया माइनस 6 इक्वल टू 12, फिर से हमें डी एस मिल गया 12। हमारा ये हमारा डी एस कितना मिला? हमें दो वैल्यू डी एस की यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। ओके दोस्तों, इसके लिए तो आप इसका भी ले लीजिए, पहले इतना लो, इतना ले लिए होंगे, अभी आप बचे हुए सम्स का भी ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आप ले लिए होंगे। आपका जो आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें दिया था प्रश्न 3.5 में, मैंने फुल्ली सॉल्व करा के दे दिया है। अगर दोनों में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई दोस्तों 100% नहीं 110% मिलेगा। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 दिया है मैं आप लोग को कल के दिन सॉल्व करा के दूंगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।